पिछले क्लास में हमारे आपके बीच में तय हुआ था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे, मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, लिखने का बेसिक तरीका क्या होता है, और जब उसे हम लिखते हैं तो उसे हम संतुलित करते हैं यानी बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस कैसे की जाती है। ठीक है, बैलेंसिंग के दौरान हम लोग कौन कौन से बातों पर विशेष ध्यान देते हैं, इस बात पर हमारे आपके बीच में पिछले क्लासेस में तय हो चुके थे, पर लास्ट क्लास में एक टॉपिक था स्टिक्योमेट्रिक कोफिशियंट। ये बातें कुछ लोगों को समझ में नहीं आई थी। ठीक है, हम उसको दोबारा एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है, क्योंकि उसी पर हम स्टिक्योमेट्रिक कोफिशियंट से ही रिलेटेड टॉपिक है, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, इसी का सेकेंड फॉर्म है, मतलब आप इसी को सेकेंड रूप में कर सकते हैं। तो कहते हैं कि केमिकल इक्वेशन को अगर लिखना हो तो उसे हम कई स्टेप फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। ठीक है, हम सारे स्टेप को एक ही में बता देते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है, मान लीजिए एक अभिक्रिया हमको दे दिया जाए, Fe H2O के साथ मिलता है तो Fe3O4 और यहां से हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे कि आप रिएक्शन को जनरली क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिखने के बाद आप देखेंगे कि रिएक्शन को दो भागों में बांटेंगे, जो आपके लेफ्ट साइड में होगा वह होगा लेफ्ट हैंड साइड, और जो RHS यानी राइट हैंड साइड, दो भाग में रिएक्शन बटा है। एरो से लेफ्ट साइड में है वो LHS होगा, और लेफ्ट एरो के राइट साइड में होगा वो RHS होगा। ठीक है, अब जो LHS और RHS हमको मिल गया, अब जो एलिमेंट्स इस रिएक्शन में दिए गए उसको लिख लेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सिर्फ उसके प्रोडक्ट बनते हैं, जो यौगिक जो होते हैं यानी कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ चेंज होते हैं, कभी एलिमेंट्स नहीं चेंज होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी रिएक्शन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एलिमेंट यहां पर कुछ और हो और प्रोडक्ट यहां पर, प्रोडक्ट में कोई नया एलिमेंट आकर जुड़ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर यहां पर फेरस है तो इस तरफ ही फेरस ही होगा, भले ये कंपाउंड बदल जाए, यहां पर H2O, यहां पर फेरिक सल्फेट हो गया, सॉरी क्या कहते हैं, यहां पर फेरस ऑक्साइड हो गया, ये अलग बात है कि जो फेरिक ऑक्साइड बन गया ये कहानी कुछ अलग है, लेकिन कंपाउंड बदल सकता है, एलिमेंट्स में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि यहां पे एक तरफ फेरस पहला एलिमेंट, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। अब हम देखेंगे कि यहां पर फेरस की संख्या कितना है और इधर की फेरस की संख्या कितनी है। समझिएगा, यहां पर तीन फेरस है और यहां पर एक फेरस है, मतलब यहां पे हम तीन से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते समय भी ध्यान रखेंगे जब भी मल्टीप्लाई करते हैं उसके लेफ्ट साइड में करते हैं, ना कि यहां पर राइट साइड में, तो यहां राइट साइड में कर दे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब फेरस की संख्या हो गया, अब यहां ऑक्सीजन कितना है, चार है, और यहां पर कितने हैं, एक है। तो जब हम, यानी कि यहां पे चार से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा नहीं, मल्टीप्लाई जो करेंगे यहां पे चार से करेंगे। अब समझना, जब ये चार से मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऑक्सीजन तो हो गया चार, यहां ऑक्सीजन हो गया चार, लेकिन जब यहां मल्टीप्लाई करते हैं मतलब ये पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई की, मतलब अब ये हाइड्रोजन की संख्या जो हो गया चार दुना आठ, नॉट दो, अब हो गया आठ। अब यहां हाइड्रोजन संख्या कितना है, दो है, मतलब कि यहां पे आप क्या करेंगे, चार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जरा गौर समझो, जब हमने संख्या को दोनों तरफ बराबर किया, मतलब कि जो फेरस की संख्या यहां पर कितना था, तीन, तो यहां पर भी कितना हो गया, तीन। हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर आठ, तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए, आठ, और यहां ऑक्सीजन कितना है, चार, तो यहां भी ऑक्सीजन हो गया चार। अब जरा और समझो, मतलब कि इसके दोनों तरफ अब बराबर बराबर एलिमेंट्स आकर बैठ गए, तो बराबर कैसे हुआ, मतलब इसी को, जो दोनों तरफ बराबर होना, इसी को आगे चल के हम लोग कहते हैं संतुलन।
या संतुलित मतलब बैलेंस। ठीक है, अब जो ये बैलेंस्ड हो गया तो इसी को अब चूंकि बैलेंस्ड हो गया और इसी को बैलेंस करने के लिए हम इस नंबर से मल्टीप्लाई की, तो कह सकते हैं ना कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया को या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए अभिकारक या उत्पाद, ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये है क्या, यह है आपका अभिकारक, इसको रिएक्टेंट कहते हैं, और यह क्या है आपका उत्पाद, मतलब इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए अभिकारक या उत्पाद या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कुछ भी बोलो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए अभिकारक या उत्पाद में जिस आंकिक संख्या से गुणा करते हैं यह संख्या इस रासायनिक अभिक्रिया की स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कहलाती है। आई बात समझ में? अब समझो, हम कहते हैं कि क्यों गुणा करते हैं, तो गुणा करने के पीछे रीजन यह होता है कि जब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान स्थिरता का नियम, तो उसमें क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का परमाणु भार जो होता है वो उत्पाद के परमाणु भार के बराबर होना चाहिए, यानी कि इसका द्रव्यमान संख्या इसके द्रव्यमान संख्या के बराबर होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है, इन द गिवन रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको समास भी आपस में बराबर हो। आप घर पे बैठकर नहीं हो तो प्रैक्टिकल कर लेना, ये जो भी दिया गया है डाटा, फेरस में यहां पर एक फेरस का एटॉमिक मास पे 3 से मल्टीप्लाई करना, ये फेरस का एटॉमिक मास और इधर की तरफ का एटॉमिक मास दोनों निकाल के जोड़ना, बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं सारे स्टेप। अब इसमें एक चीज और इंटरेस्टेड बात आती है, रिएक्शन के जो लास्ट में सातवें स्टेप होता है उसमें हम देखते हैं कई सारे रिएक्शन होते हैं जिसके बगल में यहां पर S, यहां पर G, यहां पर S, यहां पर G लिखा रहता है, या कहीं कहीं पर L, या कहीं पर AQ, मतलब ये जो दिखा है L, AQ, S, G, ये क्या है, तो कहते हैं ये सारे के सारे जो है वह स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, मतलब कि जो हमारे पास यहां पर या मैटर में या तो एलिमेंट्स हो या क्या हो कंपाउंड्स हो, मतलब कि ये जितने भी हमारे पास होते हैं वह पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, मतलब या तो इसमें तत्व होगा या तो इसमें यौगिक होगा, और समझो मतलब कि ये जो रिप्रेजेंट करता है ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स या कंपाउंड है वह किस स्टेट में पाया जाता है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमेशा इसके स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो रिएक्शन इस तरह से पूरा फाइनल रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, और ये इसका सिंबल क्या होता है, ये कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट इसके, और यही इसी तरह से हम रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करने के लिए क्या किया, हमने संख्या से अपने से जो देखे यहां पर, हाँ इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, मल्टीप्लाई किया, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई मतलब क्या करना, हीट करना, मतलब यहां पर मारना, मारते हैं यहां पर 4 हाइड्रोजन H2O को, तो इसे कहते हैं हम लोग आगे चलकर, इसी को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ये जो ट्रायल मेथड का मतलब क्या कि इसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि हाँ ये नंबर लगाए तो हो सकता है बैलेंस हो जाए, तो इसे लोग कहते हैं ट्रायल करना। तो ये प्रक्रिया जो बैलेंस, इस बैलेंसिंग का जो मेथड है, इसी मेथड को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो आप इस तरह से, आपको जितने भी रिएक्शन आपके एक्सरसाइज में भी कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, उस रिएक्शन को आप घर पे बैठकर इसको करिएगा, इसको बैलेंस करिएगा,
हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या होगा, समझ में आ जाएगा और आप आराम से घर बैठकर रिएक्शन क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इसे बहुत सारे रिएक्शन आपको दिए गए हैं, आप घर पर बैठकर क्या करिएगा, कंप्लीट करिएगा। हम एक दो आपको दे भी देते हैं, आप उसे घर पर आप अगर जब भी फ्री होइएगा तो आप क्या करिएगा, उसे कंप्लीट करिएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर हम एक रिएक्शन दे दें, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय स्टेट में H2 के साथ मिलता है, यहां पर 340 ATM एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो यहां पर बनता है CH3OH जो लिक्विड स्टेट में होता है, आप इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, याद के लिए होमवर्क में दे देते हैं। एक और रिएक्शन अगर दे दें कि जब CO2 H2O के साथ मिलता है, ये CO2 यहां पर एक्वस में होता है, लिक्विड स्टेज में मिलता है सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल्स के साथ, तो यहां पे क्या होता है C6H12O6 यहां पर O2 और H2O बनता है। ये आपका एक्वस में होता है, ये आपका जो होता है ये भी एक्वस में होता है और ये लिक्विड में होता है, आप इसको घर पे बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसके बाद, इसके ठीक बाद आपका कुछ एक्सरसाइज है। ठीक है, अभ्यास प्रश्न है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले, जलाने से पहले से साफ क्यों किया जाता है। प्रीवियस लेक्चर में बोले थे कि क्यों साफ किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे धूलकण जम जाते हैं, जिसके चलते वो क्या करता है, चूंकि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है तो आसानी से क्या कर सकता है, उसके साथ रिएक्शन कर जाता है, इसलिए ताकि उसको मैग्नीशियम प्योर मैग्नीशियम रहे, वो बर्निंग करने के बाद क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आसानी से मैग्नीशियम ऑक्साइड दे, इसीलिए जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले साफ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि निकले गए केमिकल्स रिएक्शन को आप बैलेंस करिए, उसमें सबसे पहला रिएक्शन दिया गया है कि जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तो H2 जब Cl2 के साथ बनता है तो HCl होता है। ठीक है, ये दोनों यहां पर गैस में होता है, यहां पर ये गैस में होता है और यहां पर ये लिक्विड बनता है। ठीक है, तो क्या होगा, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, यहां पर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, दो से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से जितने भी आपके क्वेश्चन है, यहां पर बेरियम क्लोराइड BaCl2 है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4, ठीक है, तो उसके साथ मिलकर यहां पर बेरियम सल्फेट Ba2SO4 और क्या कहते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो आप उसे क्या करिएगा, घर पर बैठकर ये होमवर्क नंबर आपका 2 होगा, आप इसे घर पर जरूर कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तो आपका इस तरह से एक पोर्शन जो है खत्म हो गया। इसका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि जो भी इसके स्टेट दिए गए हैं, स्टेट के साथ उसे क्या करना है, बैलेंस करना है। आप स्टेट में पढ़िएगा कि जल में क्लोरीन तथा सोडियम सल्फेट के विलयन को जब हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन विघटित करने के बाद अवक्षेप बनाते हैं, तो आप इसे स्टेटमेंट को पढ़िए और जो जो एलिमेंट्स वो बोल रहा है, जो जो कंपाउंड बोल रहा है, उसे आप लिख दीजिए, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट बनाकर क्या करिएगा, उसे बैलेंस करिएगा, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इसे जरूर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसके सेकंड पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। अब जो इसका सेकंड पोर्शन है वो क्या है, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे वह है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब जो अगला हमारा टॉपिक है 1.2 वह है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब देखिए ये क्या कहानी है, तो कहते हैं कि जो भी हमारे पास रिएक्शन दिए गए हैं, अब उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हम आपको पहले भी बताए हैं कि कभी भी रिएक्शन होता है तो उसके रिएक्टेंट में, मतलब जो एलिमेंट होते हैं
उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे, आप घर बैठकर इस काम को कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास में मान लीजिए कि यहां पे आप कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिए, ठीक। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड डालने के बाद एक तरह की ये चूना होता है, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड आप डाले इसमें, अब डालने के बाद जो ये चूना होता है इसमें अब थोड़ा थोड़ा से आप वाटर डालिए, और उसके बाद जब डालने के बाद इसके सरफेस को आप टच करिए। गौर समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। पहले कैल्शियम ऑक्साइड डाले, इसमें वाटर डाले, अब इसको क्या टच किए। जब आप टच करेंगे तो आप टच करके बताएंगे कैसा फील हो रहा है। जितने लोग देखे होंगे जो कैल्शियम चूना होता है, जब चूने को जब पानी चूने में जब पानी डाल देते हैं, डालने के बाद उसके उसमें से क्या होता है, ऐसा लगता है कि चावल जैसे पक रहा है, खदखद खदखद की आवाज उसमें से आती है, उसमें से मतलब काफी बॉयल्ड होने लगता है। बॉयल्ड जब होगा तो उसमें से भाप निकलेगा, मतलब कि आप जब सरफेस को टच करेंगे तो आपको हीट जैसे मतलब को सरफेस क्या मिलेगा, गर्म मिलेगा। क्यों हीट हो जाता है? तो कहते हैं कि जब ये कैल्शियम H2O के साथ रिएक्शन किया तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ, ये हीट प्रोड्यूस हुआ, यानी कि इसमें से क्या हुआ, उष्मा निकला, हीट का प्रोडक्शन हुआ। अब हीट के प्रोडक्शन हुआ मतलब कि जो हमें कैल्शियम ऑक्साइड था वो किस स्टेज में हुआ, सॉलिड स्टेट में। जब ये H2O क्योंकि हम इसको लिक्विड में डालें, जब इसे हम डालें तो यहां से बन गया कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। और पानी एक्वस का मतलब क्या, मतलब कि सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर। अब जब जब घर में चूना बनता है या जब पान वाले के दुकान पे चूना होता है तो वो जो लिक्विड स्टेज में, मतलब कि जब आप घर में, जब आपके घर में पेंटिंग होती है चूना, जो चूने वाली पेंटिंग है, नहीं जो दीवार पेंटिंग बोले नहीं, जो दीवार में चूने की जो पेंटिंग की जाती है, तो घर से चूना खरीद कर लाते हैं, जब उस पर पानी डालते हैं तो उस पर काफी खदखद की आवाज आती है और भदभद भदभद करने लगता है। जब उसको टच करते हैं तो वो जनरली किस स्टेज में, ये कैल्शियम ऑक्साइड के हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और आप देखते हैं तो काफी मात्रा में वहां से क्या निकलती है, हीट निकलता है। आई बात समझ में? मतलब कि जो हमारे पास कैल्शियम था और ये हाइड्रोक्साइड से मिला तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी H2O से मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। मतलब कि दो रिएक्टेंट था यहां पे, दो क्या था, रिएक्टेंट था, इससे अधिक भी हो सकता है। और यहां पर सिर्फ कितना उत्पाद मिला, जो प्रोडक्ट मिला वह कितनी संख्या में है, एक की संख्या में। मतलब कि सीधा हमारे पास बात यह हुआ कि जो हमको रिएक्टेंट यहां पर मिला, ठीक है, और यहां पे रिएक्टेंट यह मिला प्रोडक्ट, तो मतलब कि दो से अधिक, गौर समझिएगा, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिले, ये क्या है आपके अभिकारक, और ये क्या आपका उत्पाद, समझना, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिले और मिलने के बाद एक उत्पाद देता है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को आगे चलकर हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं कंबीनेशन रिएक्शन। आई बात समझ में? तो सबसे पहला टाइप्स क्या है, कंबीनेशन रिएक्शन। डिफिनेशन क्या होगा कि दो या दो से अधिक अभिकारकों के मिलने से एक उत्पाद का निर्माण होता है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिखो फटाक से, लिखो इसे, संयोजन अभिक्रिया हेडिंग डालो और लिखो, दो या दो से अधिक अभिक्रिया अभिकारकों के मिलने से
दो या दो से अधिक अभिकारकों के मिलने से या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं कॉमा संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। इंग्लिश में लिखो, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जरा देखो, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना, अब देखो, अब जो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिला, आपको हम बता दें, यही जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है और जो हम यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिए, ठीक है, अब जो ये सॉल्यूशन हमें मिला, इसी सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, दीवालों पर पेंट कर देते हैं। ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या करते हैं, दीवालों पर, मार्केट में मिलता है ये, हम घर पर लाकर इसे हम ये बनाते हैं, ठीक है। अब इस पर हम क्या करते हैं, दीवालों पर पेंट कर देते हैं। अब समझना, जब हम दीवालों पर जब पेंट कर देते हैं, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो एटमोस्फियर में CO2, आपका भी बड़े दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर पेंट तो दीवार पे कर देते हैं, लेकिन तुरंत ही जो होता है वो सफेदी नहीं आ जाती है, बड़े टाइम लगता है उसको सफेदी आने में, या तो शाम तक आता है या एक दिन बाद सफेदी बिल्कुल चमकता, कब है, एक दिन दो दिन बाद चमकता है वो, या सुबह में पेंटिंग कर देते हैं शाम को चमकता है, ऐसा क्यों। तो कहते हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो हम पेंटिंग किए, पेंटिंग करके छोड़ देते हैं, अब जो एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड था, वो कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड का करता है, अपने साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है, ठीक है, क्या करता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में था, एक्वस में था, समझना, बड़ी इंटरेस्टेड बात है, ये जो CO2 हमको मिला, जो एटमोस्फियर से CO2 गैस मिला, अब इसे क्या करता है, ये अवशोषित करता है और इसके साथ ये रिएक्शन करता है, क्या करता है, रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद यहां से CaCO3 बनाता है, जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम होता है, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, हिंदी में लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, और साथ में देखना कि जब वो जब पेंटिंग करते हैं, तो जब टच करते हैं, तो लगता है कि पानी है उसमें, मतलब वो पानी जो होता है यहां पर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में निकलता है। अब समझो कि जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, जो हम मार्केट से खरीद के लाएंगे, एच पानी में मिला दिए, अब वो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे लेकर हम दीवार पर क्या कर दिए, पेंट कर दिए। जब दीवार पर पेंट हो गया, तो पेंट होने के बाद जो एटमोस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड था, उसे क्या किया हुआ, अवशोषित कर लिया, और अवशोषित किया यानी एब्जॉर्ब किया, अवशोषित करने के बाद क्या किया, वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, और अब H2O क्या हुआ, लिक्विड स्टेट में था, फिर वो वेपर बन के निकल जाता है। अब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना, और जैसे ही ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, यहीं से इसका कलर जो होती है वह व्हाइट कलर की हो जाती है। आई बात समझ में, दीवालों पर सफेदी क्यों आती है, दीवालों पर सफेदी इसलिए आती है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, वो एटमॉस्फेयर के CO2 को लेकर अवशोषित करके उसे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और यहीं से क्या करता है, वो सफेद हो जाता है। समझ में आ गई कहानी, अब जरा समझो, कहते हैं कि जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, आपको बता दें कि यही जो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास होता है,
इसी कैल्शियम कार्बोनेट का जो हम लोग पढ़ते हैं, आप पढ़े होंगे संगमरमर, पढ़े है ना संगमरमर, जो पत्थर होती है संगमरमर की पत्थर होती है, जो ताजमहल बनाए गए संगमरमर के पत्थर से। ये जो संगमरमर होता है, संगमरमर जो होते हैं, ये संगमरमर जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला भी यही CaCO3 होता है, इसलिए वो सफेद कलर का दिखाई देता है। आई बात समझ में? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये संगमरमर का केमिकल फॉर्मूला होता है, जो मार्बल हम लोग पढ़ते हैं मार्बल संगमरमर, तो मार्बल का जो हम लोग पढ़ते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आप देखते होंगे जो संगमरमर के पत्थर होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। तो जो भी हमारे पास कहानी मिला, ये संगमरमर व्हाइट कलर के दीवालों पर पेंटिंग करने के बाद सफेदी क्यों आ जाती है, इसके पीछे यही रीजन होता है। आई बात समझ में? जैसे भी अगर कोई भी और दूसरा रिजेक्शन ले ले, मान लीजिए कि हमारे पास कार्बन है और कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है। ठीक है, मतलब कि यहां से हमें CO2 मिला और साथ में जो हमारे पास क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा, या यही हाइड्रोजन जो होता है वह गैसेज स्टेज में जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो H2O बनाता है। तो ऐसे स्थिति में दो ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन दो से मल्टीप्लाई करे, यहां पे दो से करे, दो दूना चार होगी। H2O क्या होता है, लिक्विड स्टेज में होता है, ये गैस में। तो इस तरह से क्या है, देखो दो एलिमेंट्स मिला कंबाइंड कंपाउंड बना, यहां पर भी दो मिलकर एक बनाया, तो ये सारे के सारे जो होते हैं संयोजन अभिक्रिया होते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक के मिलने से एक नए यौगिक का निर्माण होता है उसे कहते हैं क्या चीज, संयोजन अभिक्रिया। मजेदार बात आपको बताएं, ये जितने भी हमारे पास रिएक्शन होते हैं, आप कोई भी, सबसे मजेदार आपको बात बताते हैं कि संयोजन अभिक्रिया जो होते हैं, मैक्सिमम संयोजी अभिक्रिया जो होती है वह हीट प्रोड्यूस करता है। आप सांस भी लेते हो, देखते हो सांस छोड़ते हैं CO2, सांस जब छोड़ते हैं तो आपको हाथ लगाना, देखना गरम गरम भाप निकलता है। ठंडी के दिनों में आप देखते हैं ना, लगता है कि सिगरेट पी रहे हैं, भाप फेंकते हैं, तो वो क्या होता है कि जो भी हमारे पास जनरली जो रिएक्शन होते हैं, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वह क्या होते हैं, हमारे पास एनर्जी देने वाली रिएक्शन होती है, हीट देता है। और ऐसे रिएक्शन को, जो इस तरह के रिएक्शन होते हैं, इस रिएक्शन को आके चलकर हम लोग उष्मा क्षेपी अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास रिएक्शन जो होता है क्या, थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि जो हमारे पास इस तरह के रिएक्शन हमारे पास होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्जोथर्मिक, एक होता है इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक में क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं एक्जोथर्मिक को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। थोड़ा सा आपको हम पढ़ा समझा देते हैं यहां पे, क्योंकि आप 9th पढ़ चुके हैं। तो एक होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया, एक होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, एक्जोथर्मिक को बोलते हैं उष्मा क्षेपी और इंडोथर्मिक को कहते हैं उष्मा शोषी। मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर हीट दिया जाए, मतलब उसको काम करने के लिए टक्स के रूप में हीट देना पड़े, तो यह कहलाता है उष्मा शोषी, मतलब इंडोथर्मिक। लेकिन अगर रिएक्शन के बाद हमें हीट मिले, मतलब हमें एनर्जी उष्मा क्या करता है मिलता है, तो उसे कहते हैं एक्जोथर्मिक, मतलब उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो यहां से देखो ना, ये जब रिएक्शन कराते हैं तो यहां सबको हीट मिला कि नहीं मिला, तो ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट मतलब एक्जोथर्मिक। तो यहां से जो एनर्जी बाहर निकला एक्जोथर्मिक रिएक्शन हुआ। अब बात तो बड़ी, तो कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास नॉर्मली जो इस तरह के अभिक्रिया होते हैं, ये अभिक्रिया साधारण तौर पर हमें क्या देते हैं, उष्मा देते हैं। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे में आप मास गैस पढ़े होंगे, जो प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस होता है, नेचुरल गैस जो CH4 होता है, ये गैसियस स्टेट में होता है, मेथेन गैस इसका नाम होता है, या मार्स गैस इसे कहते हैं। ठीक है, जब ये CH4 जो होता है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो बनाता है CO2 और
H2O, और यहां से हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है। ठीक है, ये CO2 यहां से गैस होता है, ये गैस होता है, और यहां ऑक्सीजन भी गैस होता है। आप बैलेंस करोगे, दो से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे CO2 सही है, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, चार है, दो से मल्टीप्लाई। तो यहां से क्या मिला, हीट मिला। आपको बड़ी इंटरेस्टेड बात बताते हैं, पेट्रोल जो CH4 होता है, इसको हम लोग मार्स गैस कह जाते हैं, इसी को आगे चलकर हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम, सॉरी, इसी को आगे चलकर हम लोग सीएनजी के नाम से जानते हैं। आप सुना ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब आपको पढ़ाएंगे प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर के, जब आपको पढ़ना लास्ट में बायोलॉजी में, वहां हम आपको बड़े डिटेल सिखाएंगे, लेकिन यहां टॉपिक आ गया तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जो CH4 होता है, इसी को आगे चलकर हम लोग मास गैस कहते हैं, इसी को हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं, और इसी को हम लोग सीएनजी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आज के देखते हैं गाड़ियां को, गाड़ियां जो कानपुर या बहुत जगह गाड़ियां चलती हैं, तो उसमें लिखा था नीचे पीछे लिखा रहता है सीएनजी। तो इसका मतलब क्या है, ये CH4 भरते हैं उस गाड़ी में। मजेदार बात बताएं क्या होता है इसमें, ये बड़े इको फ्रेंडली होता है। पूछे क्यों, तो कहा इको फ्रेंडली इसलिए होता है कि जब ये बर्न करता है तो यहां से CO2 और H2O मिलता है। CO2 एटमॉस्फेयर में जाएगा, प्लांट है उसको रिफ्रेशन करेगा, क्योंकि प्लांट जो होता है उसको खाना बनाने के लिए CO2 चाहिए, और एटमॉस्फेयर में अगर H2O आता है तो हमारे वाटर लेवल मेंटेन होगा, तो ये काफी इको फ्रेंडली होता है। बड़ी दूसरी चीज क्या होती है, पहले के जमाने में, मैंने कि जब होता था तो लोग पेट्रोल बड़ी चोरी करते थे, गाड़ियों में पेट्रोल भर देता। हम लोग जब कॉलेज पढ़ते थे, जब बीएचयू पढ़ते, तो वहां पे क्या होता था कि जब हॉस्टल में गाड़ी खड़ा होती थी तो लोग पेट्रोल ही गायब कर देते थे, डब्बा का डब्बा, सुबह टंकी भर के आया, शाम को खत्म, या शाम को टंकी भर के लाकर हॉस्टल में खड़ा किए, सुबह गायब। तो इस तरह की चोरी करने लगे, तो भाई बड़ी इंटरेस्टेड खेल हुआ। बाद में जब ये सीएनजी आया तो चोर तो चोर, जो चोरी करने वाला है, अब वो व्यक्ति को तो पता नहीं कि इसमें सीएनजी का क्या काम होता है। वो व्यक्ति क्या किया कि पेट्रोल, जब पेट्रोल उसको समझ में आया कि पेट्रोल है, वो क्या किया, सीएनजी को गया और कहा कि आज हम सीएनजी चोरी करेंगे। अब वो क्या करता है कि सीएनजी जब चोरी करने के लिए, जैसे ही वो क्या करता है, डब्बा लगाता है पाइप निकालने के लिए, क्योंकि पाइप से कैसे होता है, इंजन से पाइप निकालता है, जैसे ही वो क्या करता है, इस टैप में यहां डब्बा लगाता है। अब जरा गौर से समझना, जैसे ही डब्बा लगाएगा कहेगा कि आज सीएनजी हम चोरी करेंगे, उसको तो पता नहीं सीएनजी है इसमें, पर रहता है सीएनजी, पेट्रोल समझ के जैसे ही इसमें लगाएगा तो क्या होगा, डब्बा तो ऐसा होगा कि नहीं कि पूरा का पूरा सील पैक होगा, खुला तो होगा ही। मतलब जैसे ही यहां से सीएनजी आना शुरू करेगा, ये यहां पर आते ही सीधा क्या मिलेगा इसको, ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा क्या बनेगा, CO2, और तो CO2 जो होगा वो एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा, और उसके डब्बे में क्या बनेगा, H2O। तो देखते हैं, ये चोरी करना भी बड़े आसान नहीं है, डिफिकल्ट है कि नहीं, चोरी करना करोगे, चोरी चलोगे सीएनजी चोरी करने, जो व्यक्ति भरवाया था उसका तो नुकसान हुआ ही हुआ, और तुमको क्या मिला, पानी मिला, CO2 तो कर गया, भाग गया। तो इसीलिए ये जो होता है, तो हमारे कहने का सीधा मतलब है कि ये जो हमारे पास कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, या जो भी रिएक्शन हमको मिलता है, ये सारे के सारे रिएक्शन जो होते हैं वह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक होता है। यार भोजन हम लोग खाते हैं, भोजन का डाइजेशन भी होता है, वो भी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, यहां भी कॉम्बिनेशन होती है, फैट बनना, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन, सारी चीजें जहां हम लोग ब्रेक करते हैं वहां हमको हीट मिलता है, एनर्जी मिलता है, तो हम लोग खाते हैं तो तंदुरुस्त होते हैं, ये क्या है, हीट मिलता है। तो सांस लेना, यहां तक कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया भी जो होती है वह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो इस तरह की पूरी प्रक्रिया जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सभी सभी की जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यहां तक किसी को दिक्कत? अब इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब बर्नर लेते हैं, ये टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है, टेस्ट ट्यूब को क्या किए, क्लिप कर दिए, इसे आप पकड़ लिए, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं कि यहां पे एक बर्नर लगाकर बर्नर लगा देते हैं, अभी जलाते नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं कि थोड़ी सी मात्रा में करीब 2 ग्राम FeSO4 भर देते हैं, जिसका नाम होता है फेरस सल्फेट।
क्या भर दिए, फेरस सल्फेट भर दिए। अब जरा गौर समझना कि जो फेरस सल्फेट हम लोग को मिला, अब भरने के समय में इसका कलर देख लेना, किसका कलर क्या है, इसका रंग देख लेना, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है कि इसमें जो फेरस सल्फेट हमको मिला, जो जनरली क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, मतलब सॉलिड स्टेट में हुआ, मतलब ठोस अवस्था में। अब जो हमारे पास, अब इसको क्या करना कि इसमें अब धीरे धीरे इसको हीट करना, अब बर्नर जला दो, ठीक। और हीट करने के बाद देखना कि इसमें से जो एस जो निकल रहा है गैस, वो गैस का कलर क्या है, उसका स्मेल क्या है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। जब इसको आप देखेंगे तो आप उसका देखेंगे कि उसका रंग क्या है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको आप गौर से समझना, ठीक है। तो जो आप ठोस अवस्था में जो हमको मिलेगा, आप ध्यान देंगे कि जो फेरस सल्फेट जो था वह हीट होने के बाद क्या कर गया, जो यहां पे गैस निकल गया, जब हीट हुआ तो इसका कलर जो हो गया वह कलर, नॉर्मल जो फेरस सल्फेट था वह लाइट व्हाइट कलर में था, जब हीट हुआ तो हीट होने के बाद उसका कलर क्या हो गया, डार्क ग्रीन कलर का हो गया। ये लाइटिस ग्रीन में या लाइटिस व्हाइट में होते हैं, जब ये हीट किया तो बिल्कुल हरे रंग का हो गया, डार्क ग्रीन हो गया। मतलब कि सीधे से बात होगा कि इसमें जो परिवर्तन हुआ वो क्या किया गया, हीट देने के बाद हुआ। मैंने कह सकते हैं कि इस रिएक्शन को कराने के लिए हीट देना पड़ा। तो ये जब रिएक्शन कराने के लिए हीट देना पड़ा तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, इंडोथर्मिक, मतलब कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसको कराने के लिए हीट देना पड़ा। मतलब कि जो प्रक्रिया हमको मिला कि जो ये FeSO4 जो था वह कैसा था, सॉलिड स्टेट में था, जब इसमें हम ऊष्मा यानी कि हीट दिए तो क्या बनाइए, Fe2O3 जिसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये बना सॉलिड स्टेट में फेरिक ऑक्साइड, और दो गैस निकलता है, एक SO2 गैस निकलता है और एक SO3 गैस निकलता है। एक सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2 और एक होता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये बाहर निकल गया। और जरा समझो, तो ऐसे स्थिति में जो एक कंपाउंड था, जब एक कंपाउंड विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण किया, आ रही बात समझ में, कि जब एक एलिमेंट्स जो एक कंपाउंड है या एक तरह एक अभिकारक विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, ये विघटित होना, मतलब टूट जाना। और जब ये विघटित हुआ या टूट गया तो मतलब क्या हुआ, इसे हम कह सकते हैं विघटन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं वियोजन, या इसको कह सकते हैं हम लोग अपघटन। तो इस तरह से क्या होता है कि जब आप जब अभिकारक जो था वह टूट के एक से अधिक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन, आई बात समझ में। तो व्हाट इज डिसोसिएशन रिएक्शन, व्हेन द वन रिएक्टेंट, व्हेन द वन रिएक्टेंट आर ब्रेक डाउन टू फॉर्म, या आफ्टर रिएक्शन टू फॉर्म मोर टू और मोर देन टू कंपाउंड इज कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। व्हेन वन रिएक्टेंट आर डिकम्पोज्ड या ब्रेक डाउन टू फॉर्म मोर और मोर सॉरी टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड, मतलब कि पहले में क्या था कि जब टू और मोर देन टू रिएक्टेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाया, और इसमें क्या है कि जब एक जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो टूटकर दो या दो से अधिक टू और मोर देन टू प्रोडक्ट बनाता है तो ये कहलाता है क्या चीज, डिसोसिएशन रिएक्शन, ब्रेक डाउन करना, आ रही बात समझ में। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, लिख लो, जब एक अभिकारक या जब एकल अभिकर्मक
विघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये हीट होता है, तो हीट होने के बाद अब इसमें क्या हुआ कि ये कहानी जब ये ब्रेक हुआ, अब कहते हैं कि इस तरह के आपको कई सारे आपको प्रोसेस मिल जाएंगे। आप घर पे बैठकर आप जो हम लोग अभी पढ़े कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये जो सॉलिड स्टेट में होता है चूना पत्थर, अगर आप इससे भी अगर हीट कर दें, मतलब उष्मा दे दें, ये भी क्या करता है, जिस तरह से ये जब हीट करते हैं तो यहां से बनाता है CaO और CO2, ये सॉलिड स्टेट में और ये गैसेस स्टेट में, तो यहां पर भी क्या हुआ, हीट देना पड़ा। तो इस तरह से जितने भी सिस्टम होती है आप इसे आप आराम से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप घर पे बैठकर अगर मान लीजिए कि यहां पे जो हम फेरस सल्फेट यूज किए, ठीक है, अब इसी फेरस सल्फेट के जगह पर आप मान लीजिए कि लीड नाइट्रेट रख दे, ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे क्या होता है। मतलब कि जो अगर हम इसी कहानी को दोबारा समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, हमने क्या कहा कि जो यहां पर फेरस सल्फेट रखे थे, अब यहां पर हम लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसका नाम होता है लीड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। अब जरा समझो, ये जो लेड नाइट्रेट यहां पर अगर लगा दे तो क्या होगा, अब जब हीट करेंगे तो फिर देखेंगे इसका कलर क्या होगा। तो जब देखते हैं कि जब आप इसको हीट करते हैं तो यहां पे जो होता है वह भूरे कलर का यानी ब्राउन कलर का गैस निकलता है। अब वो गैस क्या होता है, वो गैस होता है NO2। अब जरा समझो कैसे, तो कहा कि जो हमारे पास PbNO3 का होल ट्वाइस था, लीड नाइट्रेट था सॉलिड स्टेट में, जब इसे आप हीट करना शुरू किए, जब गर्म करना शुरू किए, तो लीड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो बनता है लीड ऑक्साइड और साथ में NO2 और निकलता है ऑक्सीजन। तो ये जो NO2 था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है इसी का कलर जो होता है वह ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। अब ये जो भूरे रंग का मिला और ये जो लीड ऑक्साइड था ये सॉलिड स्टेट में ये पेली में ही जमा रह जाता है, NO2 जो गैस था वो बाहर निकला, ऑक्सीजन का तो होता है कलर होता नहीं है, वो जनरली निकल जाता है। तो मतलब कि ये जो प्रोसेस हुआ, आप इसको बैलेंस कर देना, यहां दो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6 हो गया, आप यहां पर जो होगा वो क्या करिएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लीड की संख्या यहां पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो हमको मिला, मतलब यहां पर भी हम हीट दिए तो काम हुआ। तो इस तरह से जो रिएक्शन होता है जहां पर एक रिएक्टेंट मिलकर जब ब्रेक करता है तो कितना होता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। तो इस तरह के जितने भी आपको रिएक्शन मिलते हैं ये सारे रिएक्शन जो होते हैं विघटन रिएक्शन होते हैं या जो होते हैं वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिसोसिएशन रिएक्शन होते हैं। आप इस चीज को और भी घर में बैठ के कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास अगर प्रैक्टिकल ही आपको करना है तो आप और भी प्रैक्टिकल इसमें घर बैठकर कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक आपके घर पे जो बाथिंग जो मग होता है जो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। कहते हैं कि बाथिंग मग लेकर आप क्या करें, इस पे ये नहाने वाला जो आपका मग होता है उसको लेकर आप सबसे पहले जो प्लास्टिक का मग लीजिए और उसके दो पेदी जो टाइप पर होल कर दीजिए और यहां पर आप क्या कर लीजिए, रबड़ लगा दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि जो रबड़ लगा दिए, अब इसमें क्या कर दीजिए, जो एक इलेक्ट्रोड डाल दो, वह इलेक्ट्रोड जो होगा वह कार्बन का इलेक्ट्रोड होगा, यह क्या है, रबड़ का कॉर्क है,
ठीक है, इसको बोलते हैं रबर, रबर का कॉर्क डाल दिया डॉट, रबर का टाट बोलते, डाट बोलते हैं हिंदी में, रबर डाट बोलते हैं, कॉर्क अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कार्बन का हम रॉड डाल दिए, अब ये जो कार्बन का जो रॉड डाल दिए, अब रॉड डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, कहते हैं कि अब इसे नीचे इसके दोनों पॉइंट को ले आकर बैटरी से जोड़ दें, ठीक है। ये बैटरी हो गए, और ये जो बैटरी है ये बैटरी करीब करीब 6 वोल्ट की बैटरी है। अब समझो, अब यहां पे जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्विच का प्रयोग करते हैं, यहां स्विच लगा दिए, ठीक। अब क्या किए कि एक तरफ क्या रेज को हम लोग एनोड रख दिए और दूसरे तरफ हम लोग कैथोड कर दिए, ठीक, आई बात समझ में। अब क्या करते हैं कि जो हमारे पास कार्बन की जो हम लोग कार्बन के इलेक्ट्रोड डाले, और कार्बन के इलेक्ट्रोड डालने के बाद, क्योंकि कार्बन के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वह नॉर्मली कार्बन के अपरूप का इलेक्ट्रोड होता है, यानी कार्बन एलिमेंट उसका ये ग्रेफाइट का रॉड होता है, कार्बन के अपरूप जो होता है वह ग्रेफाइट जो एलोट्रॉप होता है वो ग्रेफाइट का रॉड डाल दिए। अब क्या करते हैं कि रॉड डालने के बाद, ठीक है, अब इसमें मग में क्या करते हैं कि आप पानी डाल भर दीजिए, और पानी आप इतना भरिए कि जो जो रॉड है वो आसानी से क्या करे उसमें डूब जाए, मतलब आप इसमें भर दिए पानी, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं कि जो पानी भरे, अब इसके ऊपर आप क्या करिए कि एक टेस्ट ट्यूब लेकर उल्टा टेस्ट ट्यूब इसमें डाल दीजिए, ठीक है, ताकि कवर रहे। अब देखो, अब ये टेस्ट ट्यूब डाल दिए, अब ये जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है इसको हम लोग बोलते हैं परख नली, अब जरा गौर से समझना, जब इसको अब यहां पे अब इसमें क्या किए, थोड़ा सा जो है इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए, और ध्यान रहे ये डाइल्यूट होना चाहिए, यानी कंसंट्रेटेड डाल दिए, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिए, ठीक, थोड़ी सी बूंद, 2-4-10 बूंद। अब इसके बाद क्या करते हैं कि स्विच को ऑन कर देते हैं। अब जैसे ही आप इसको स्विच को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद आप देखते हैं क्या इसमें करंट फ्लो होना शुरू करेगा, और जब करंट फ्लो होना शुरू करेगा तो जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू करेगा तो आप देखेंगे कि जो यहां पे टेस्ट ट्यूब आप लगा हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब में यहां पे छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देंगे। आप कभी घर पे बैटरी चार्ज किए होंगे, यही प्रोसेस उसमें चलता है। जब बैटरी चार्ज करते, जब बैटरी काफी हाई चार्ज हो जाता है तो उसके अंदर जो तेजाब H2SO4 भर रहता है वो बुलबुले की उसमें से काफी खोलना शुरू होता है, वो काफी हीट निकालना शुरू, यही सारी सिस्टम चलती है उसमें, जो बैटरी की चार्जिंग सिस्टम होती है, ठीक है। आप देखेंगे कि इसमें जो आप क्या करते हैं, जिस भी टेस्ट ट्यूब है इसमें सारे क्या करते हैं, ऐसे बूंद बूंद के रूप में जो बुलबुले दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। अब आप जो बुलबुले दिखाई देते हैं, वो बुलबुले जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो कहते हैं ये सारे बुलबुले जो होते हैं वह ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन के रूप में सारे बुलबुले क्या करते हैं यहां पर दिखाई देते हैं, ठीक है। अब जरा देखेंगे, अब इसका प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं कि जो अब जो टेस्ट ट्यूब था उस टेस्ट ट्यूब को निकाल दिए, अब उस टेस्ट ट्यूब के आप इसको क्या करिए निकाल दीजिए, और लाकर मोमबत्ती को जलते हुए मोमबत्ती को इस टेस्ट ट्यूब के मुंह पर लेकर आइए, और फिर देखिए क्या होता है, और फिर जो टेस्ट ट्यूब होगा क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में ऑक्सीजन निकलता रहेगा, आप टेस्ट ट्यूब को लेकर उसके बर्निंग पॉइंट पर रखिए, और रखने के बाद फिर देखिए क्या होता है। आप इसको घर पर कर सकते हैं, आप एक काम करिएगा, इसको आप घर पर प्रैक्टिकल करिएगा, जैसे सामने कहा वैसे प्रैक्टिकल घर पर करिएगा। अब करने के बाद हमें रिजल्ट बताइएगा कि आप देखिएगा कि जब हम कोई बर्निंग मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जब हम इस टेस्ट ट्यूब के जो टेस्ट ट्यूब जो था उस टेस्ट ट्यूब को जब इसको निकाल के तब सावधानी पूर्वक निकाल के उसके मुंह पर लाइएगा, और फिर देखिएगा कि क्या इसकी प्रोसेस हो रही है, इसमें क्या रिजल्टेंट हो रहा है, ठीक है। और इसको आप दोनों की स्थिति में हमें निकाल कर और फिर बताइएगा कि क्या इसमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसकी इतना ही नहीं, आप अगर दूसरे प्रैक्टिकल करें तो मान लीजिए कि हमारे पास एक चाइना डिश, आपने सुना ना जो पेट्री डिश होता है, हिंदी बोलते हैं चाइना डिश, अंग्रेजी बोलते हैं पेट्री डिश, यानी कि चाइनीज डिश है,
ऐसा नहीं है। पेट्री डिश जो लेबोरेटरी में जो हम लोग लैब में जो ट्यूब सॉरी कप यूज करते हैं ना, वो छोटा सा कटोरी टाइप का, उसे हम लोग कहते हैं पेट्री डिश, या उसको हम लोग हिंदी बोलते हैं चाइना डिश। ठीक है, जो पेट्री डिश है, अब इसमें क्या कर दो कि तुम थोड़े से मात्रा में सोडियम क्लोराइड सॉरी सिल्वर क्लोराइड रख दो एजीसीएल, और उसे उठाकर धूप में रख दो। अब फिर देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। तो कहते हैं कि जब आप देखेंगे कि जो सिल्वर क्लोराइड जब सिग्नलिंग किस कलर का था, व्हाइट कलर का था, मतलब कि जो AgCl व्हाइट कलर का था, जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में रखा गया, जब ये सनलाइट के प्रेजेंस पर रखा गया, तो इसके जो क्लोरीन गैस थे वो बाहर निकल गए। सनलाइट क्या किया, क्लोरीन को बाहर निकाल दिया। जैसे ही क्लोराइड बाहर निकला तो यहां पर सिल्वर और क्या बच गया, क्लोराइड बच गया। अब सिल्वर जो हुआ वह सॉलिड स्टेट में हुआ। अब जो सिल्वर क्लोराइड हमें सिल्वर मिला, अब जो यहां पे व्हाइट कलर का था, ये जो यहां पर होता है ब्राउनिश कलर में आता है, मतलब कि ये डार्क कलर, मतलब समझ लीजिए कि एक धूसर कलर, मैंने कह सकते हैं कि थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में आ जाता है। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा अलग कलर की इसकी दिखाई शो करने लगता है। तो ये जो हमको यहां पर लाइट ब्राउनिंग कलर में आ जाता है, हिंदी में उसको धूसर कलर कहते हैं। ठीक है, तो जो हमें यहां अब क्या कहा नहीं हुआ कि जो भी हमारे पास जो लेयर मिला, अब इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि यहां पर सिल्वर ब्रोमाइड ले लें तो भी क्या होता, यहां से भी क्या निकल जाता, सिल्वर सॉलिड हो जाता और यहां से ब्रोमीन गैस निकल जाता। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास ये सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इस तरह की जितने भी अभिक्रिया है जहां पर अधिक से अधिक रिएक्टेंट जो होते हैं, एक रिएक्टेंट मिलकर क्या करता है, प्रोडक्ट देता है। तो यह ध्यान रखेंगे, इस तरह की जो अभिक्रिया हम लोग को मिलती है वह ब्लैक व्हाइट जो फोटो जो किया था ना, जो हमारे पास पहले जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की जाती थी, तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की यूज करने के लिए है, ये सारे केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो है इसी रिएक्शन को हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है। कई बार सीएचएस का बीएच जो सेंट्रल बॉयज स्कूल का क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन से जो रिएक्शन होते हैं उसका यूज की जाती है, तो आप AgCl AgBr जो आपको रहेगा वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि इस प्रकार की रिएक्शन जो होती है जहां पर एनर्जी दी जाती है और एनर्जी देने के बाद क्या करती है, उसे विघटित करने के बाद एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ध्यान रखेंगे वियोजन जितने भी डिसोसिएशन रिएक्शन है उसमें क्या देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या चीज, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो हम लोग दो तरह के रिएक्शन सीख लिए, हम आगे की क्लास में जो इसका थर्ड लेक्चर होगा उसमें बाकी रिएक्शन के बारे में सिखाएंगे। ओके, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना, हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ताकि अगले लेक्चर में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। आज इतना ही, थैंक यू सो मच।